मैं अपने चेहरे का दान पार्टी को समर्पित कर दूंगा। आप समझ रहे होंगे चेहरा का दान कैसे करूंगा, मैं इसमें रुई लगाऊंगा गिली कान आंख में और अपने चेहरे पर पट्टी लगा के अपने चेहरे को जला दूंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं फौजे फिरोज मलिक और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ रही है सीधे उत्तराखंड की राजनीति से। जी हां, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए गए उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हरीश रावत की मौजूदगी में हरक सिंह रावत एक बार फिर कांग्रेस का दामन थामेंगे। बीजेपी से बर्खास्त होने के बाद मंत्री हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने के प्रयास लगातार लगाए जा रहे थे, जो कि आज पूरे हो गए हैं। मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मंत्री हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे। कहीं पर लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने का बात कर रहे थे तो किसी ने चेतावनी भी दे दी, वहीं कांग्रेस के एक मंत्री ने एक ऐसी चेतावनी दे डाली जिससे बैठे वहां सभी लोग सुन रह गए। मंत्री ने कहा कि अगर हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल किया गया तो मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करूंगा और उनको मेरी विधानसभा से टिकट दिया गया तो मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने चेहरे को आग लगा दूंगा। ये अपने आप में ही एक डराने वाला ऐलान है। हरक सिंह रावत के साथ ही उनकी पुत्र वधु ने भी अब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद हरक ने कहा कि 20 साल तक कांग्रेस के लिए संघर्ष किया है, इस बार फिर से मैं कांग्रेस को मजबूत करने में हम लोग जुटेंगे। इस बीच कांग्रेस के एक नेता का एक बड़ा बयान वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने हरक सिंह रावत को सीधा चरित्रहीन ही बता दिया। उन्होंने नाम लिए बिना हरक सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि पार्टी किसी चरित्रहीन व्यक्ति को डोईवाले से चुनाव लड़ाया गया तो मैं उस दिन अपने चेहरे का दान कांग्रेस पार्टी को समर्पित कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने चेहरे पर पट्टी बांधकर इस चेहरे को जला दूंगा। अब हरक सिंह रावत ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब देखना यह होगा कि नेताजी क्या वाकई में कोई ऐसा कारनामा करेंगे या फिर वे हरक सिंह रावत को स्वीकार कर लेंगे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है कि प्रदेश में 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुझे लगेगा कि मैंने माफी मांग ली है, उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। अमित शाह ने कहा था कि दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, मैंने अंतिम समय तक दोस्ती नहीं तोड़ी। हरक कांग्रेस में कितने वक्त के लिए टिकते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक की पल-पल की अपडेट आपको समाचार इंडिया देता रहेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया। नमस्कार। पार्टी इन चरित्रवान लोगों के बीच में से इन्हें छोड़कर के किसी चरित्रहीन व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है तो जैसे दान दिया जाता है ना, खून का दान देता है कोई, बहुत ज्यादा बड़े दिल का आदमी होता है अपने परिवार के लोगों को किडनी का दान भी देता है तो मैं अपनी शक्ल का दान पार्टी को दे दूंगा। यदि इनमें से किसी भी व्यक्ति को छोड़ करके किसी चरित्रहीन व्यक्ति को डोईवाला का उम्मीदवार बनाया गया तो जिस दिन भी यहां पर नॉमिनेशन होगा उस दिन मैं अपने चेहरे का दान पार्टी को समर्पित कर दूंगा। आप समझ रहे होंगे चेहरा का दान कैसे करूंगा, मैं इसमें रुई लगाऊंगा गिली कान आंख में और अपने चेहरे पर पट्टी लगाकर अपने चेहरे को जला दूंगा।